अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फ़िशिंग में। वेल दोस्तों, आज एक टोप और एक चराई के बारे में बात करेंगे, जो कि स्पेशली मुरेल मछली के लिए, जिसे कि हम लोग जिसके नेठा या सोल या फिर साल मछली कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे स्नैक हेड कहते हैं। तो इसी मछली के चराई और टोप के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, कुछ बताने या दिखाने से पहले, मैं चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने एंगलर्स तक, दोस्तों एंगलर्स तक, अहबाबों तक ये वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, एक और बात कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन की वजह से, टाइम नहीं मिलने की वजह से, तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बाहर निकलना संभव नहीं है अभी, तो इसके वजह से सामान का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको सिर्फ वीडियो के थ्रू और वॉइस के थ्रू समझा दे रहा हूँ, तो कि ताकि आपको इसका आइडिया मिल जाए और आप खुद समझ करके इसको अपने हिसाब से, इसको बेट को और चराई को तैयार करके इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए तो अव्वल आपको क्या लगेगा कि केचुआ, जिसको अर्थवर्म कहते हैं, तो आपको रेड अर्थवर्म लेना होगा। वो आपको कहीं पर भी गीली मिट्टी के नीचे से खोदने से मिल जाएगी। अगर मैं आपको कहूं तो आप वहां पर ही से जाकर के ज़्यादा तलाश करें, जहां पर ही मिट्टी के ऊपर कचड़ा हो। जैसे मिसाल के तौर पर फूल वगैरह जो चढ़ते हैं देवी देवताओं पर, जो सनातन धर्म के, तो वहां पर ही भी वो जो फूल उतार करके ये फेंकते हैं, तो उसके नीचे में आपको केचुआ पाने में आसानी होगा। तो वो आप केचुआ ले लें, और कुछ गीली मिट्टी ले लें ज़्यादा मात्रा में, कुछ नहीं ज़्यादा मात्रा में केचुआ और गीली मिट्टी। और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों कि केचुआ बड़ा हो या छोटा हो, बस केचुआ रहे बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको ले ले आप, क्योंकि यही आपका चराई की तरह इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना है आपको कि जैसे कि आप दूसरे बेट बनाते हो, चराई बनाते हो जो, और उसको गोल गोल करके फेंकते हो पानी में, तो वैसे ही इसको भी आपको मिट्टी के साथ केचुआ को मिला करके, और ध्यान रहे दोस्तों, केचुआ सब जिंदा होना चाहिए, मतलब लाइव होना चाहिए, और इसको आप गोल गोल मिट्टी का बॉल बना करके, दो चार बॉल तकरीबन, आप जहां पर ही हो वहां से तकरीबन पानी की तरफ 10 से 15 फीट की दूरी पर, या फिर 15 से 20 फीट की दूरी पर आप उसको फेंक दो। और ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर ही आपको ये टेक्निक वहाँ इस्तेमाल करना है जहाँ पर ही मुरेल मछली पाई जाती है, स्नैक हेड पाया जाता है, भले वो आपका वहाँ लेक हो या फिर तालाब हो या फिर कोई भी नदी हो जहाँ पर ही पानी थमा हुआ है, तो वहाँ पर ही आपको ये टेक्निक को इस्तेमाल करना है। तो उसको आप फेंकने के बाद आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मछली को वहाँ आने में कुछ समय लगता है। तो वहाँ पर ही फिर क्या होगा कि वो मुरेल मछली वहाँ आके जम जाएगी। फिर जो आपको सामान इसके लिए लगेगा वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, मगर ईजिली चीपली अवेलेबल तो है, मगर ईजिली अवेलेबल ऐसे मैं कहूँगा कि ईजिली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये मिर्ची कीड़ा है जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। इसको हिंदी या उर्दू में मिर्ची कीड़ा कहा जाता है, और अंग्रेज़ी में इसे कहा जाता है मोल क्रिकेट, ठीक है। तो ये एक प्रजाति है कीड़े का, जो कि ज़मीन में मिट्टी के दरमियान या अंदर में रहती है। ये जैसे कि लास्ट टाइम मैंने जो अपना तजुर्मा और अपना इसमें देखा है कि तालाब के किनारे में, जो तालाब अगर सीमेंट से घेरा हुआ है पाचिल बना करके, भले वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, तो उसके किनारे में जो मिट्टी होती है, मिट्टी मतलब पानी से नीचे है और किनारा मिट्टी है, तो उस किनारे वगैरह में आपको आराम से ये मोल क्रिकेट पाया मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि कब्रिस्तान वगैरह जगहों में ये आसानी से पाया जाता है। तो जबकि ये लॉकडाउन है तो मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि आपको ये कैसे करके मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो ये मोल क्रिकेट को आपको जो हुक होता है, जे हुक आप सभी जानते हैं, जो नॉर्मल हुक हम लोग इस्तेमाल करते हैं मच्छी पकड़ने के लिए, तो वो जे हुक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ऑक्टोपस सर्कल हुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें ये मोल क्रिकेट को, जैसे कि आप बोलता, जो कि वॉस्प का जो लार्वा होता है, वॉस्प जो कि मधुमक्खी जैसी दिखती है और उसका छत्ता रहता है जिसमें अंदर में पिल्लू रकम का उसके बच्चे रहते हैं, तो उसको जैसे आप नॉर्मली कांटा में गाड़ते हैं, वैसे ही मोल क्रिकेट का जो बच्चा, मतलब ये मोल क्रिकेट जो है, उसको भी आपको वैसे ही गाड़ करके एक हुक में पानी में, वहीं पर ही जहाँ पर ही आप चराई किए, तो वहीं पर ही उसके इर्द गिर्द आपको उसे फेंकना है। और दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि मोल क्रिकेट जो है ये एक पसंदीदा खाना है
ये प्रेडेटरी मछली स्नेक हेड का, तो इसमें आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेगा। तो इसको आप ट्राई करके देखें। और जहाँ तक बात रहा हुक का, तो हुक का साइज़ ज़्यादा बड़ा ना रखें, इतना बड़ा रखें कि आप आराम से मछली उसमें खेल पाएँ। और जहाँ तक दूसरी बात ये है कि आपके वहाँ पर ही जो सोल मछली या साल मछली या फिर स्नेक हेड जो है वो कितने बड़े साइज़ की है, उसके मुंह कितने बड़े होंगे, तो उसी हिसाब से अंदाजे में आप उसमें खेलें। मैं कहूँगा कि 6 या 7 साइज़ का जो हुक होता है वो काफ़ी है इसके लिए। तो आप उसको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके आसानी से बेहतरीन रिजल्ट्स पाएंगे आप। तो इसको आप इस्तेमाल करके देखें जहाँ पर ही मुरेल मछली या फिर स्नेक हेड मछली पाई जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा आपको दोस्तों कि आपको केचुआ को मिट्टी के साथ मिला करके ज़िंदा केचुआ को गोल गोल बॉल बनाना है, जैसे कि आप लड्डू बनाते हो बड़ा बड़ा लड्डू, तो वैसे ही लड्डू की तरह बना करके आपको इसका चढ़ाई करना है। और मोल क्रिकेट को कांटे में गाद करके इसे आपको बेट की तरह इस्तेमाल करना है। बस यही सिंपल टेक्निक है दोस्तों, इसको इस्तेमाल करें और इसको देखें, ये बहुत बेहतर रिजल्ट्स देता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और फिर मैं चाहूँगा माजरत कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पा रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से। आई होप कि आप ये चीज़ को समझेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते कोई नए DIY या नए बेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, जज़ाकअल्लाह खैर कसीरा।